What's up YouTube, I'm Shubham Chaudhary and I'm back with another video. Friends, आज का टॉपिक है कि हम लेग साइड में कैसे खेलें। ये बहुत ही प्लेयरों की प्रॉब्लम होती है कि जब वो लेग साइड में खेलते हैं तो या तो बॉल पैड पे लगती है या जो उनका बैलेंस होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लेग साइड में फास्ट बॉलर्स को या स्पिनर्स को आराम से कैसे खेल सकते। फ्रेंड्स, आप लोग क्या दिक्कत करते हो, आप जब लेग साइड में खेलते हो तो या तो आपका हेड गिर जाता है या आप पूरा पैर नहीं निकाल पाते और आप ऐसे खेलते हो तो आपको दिक्कत होती है। मैं इसमें आज आपको पूरा बता दूंगा कि आप लेग साइड में कैसे खेल सकते हो। सबसे ज़रूरी है आपको अपना गार्ड लेना आना चाहिए। आप चाहे मिडल स्टंप लो या लेग स्टंप लो, वो आप पे डिपेंड है। अगर आपको इनस्विंग बॉलर है या ओवर द विकेट लेफ्ट आर्म बॉलर है तो मोस्टली वो क्या करते हैं, वो बॉल को अंदर ही कराते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप पैर को थोड़ा खोल सकते हो। अगर ऑफ स्टंप से भी राइट आर्म बॉलर भी है, वो चाहे आउट स्विंग भी करा रहा है, तो आप पैर खोल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको पैर पूरे बंद करके ही रखने हैं। अगर बंद करके रखोगे आप, फिर आप ऐसे पैर निकालोगे तो आप ब्लॉक हो जाओगे। बॉल अगर अंदर आएगी तो आप ब्लॉक हो जाओगे, आप लेग साइड पर नहीं खेल सकते, आप एल बी हो सकते हो। आप क्या कर सकते हो, जो आपका लेफ्ट लेग है आप उसे थोड़ा सा खोल सकते हो मिड ऑफ की तरफ को, ताकि जब बॉल अंदर आए तो आप पैर को सीधा निकालो। अगर आप पैर को सीधा निकालोगे तो ही आपकी बॉडी बैलेंस में रहेगी और आप लेग साइड में अच्छा खेल पाओगे। आप डिफरेंस देख सकते हो, एक इसमें मैं पैरों को दोनों को सीधा रखूँगा और पैर निकाल के लेग साइड पे खेलने की कोशिश करूँगा तो आप देख सकते हो मैं ब्लॉक हो रहा हूँ। पर अगर अब मैं अब पैर को थोड़ा सा खोल लूँगा और फिर मैं पैर निकालूँगा तो आप देख सकते हो मेरा पैर सीधा ही निकल रहा है। और फिर अगर मैं खेलूँगा तो मैं सीधा खेल रहा हूँ, मेरा बॉडी का जो बैलेंस है वो बिल्कुल ठीक है और ना मैं फंस रहा हूँ, मतलब ब्लॉक नहीं हो रहा हूँ। आराम से मैं फाइन लेग की तरफ भी खेल सकता हूँ और मिड ऑन की तरफ भी खेल सकता हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़, आप क्या गलती करते हो, जब आप पैर निकालते हो तो जो आपका वेट होता है वो आप सारा आगे की साइड रखते हो और फिर आप ऐसे खेलते हो, और इसमें क्या होता है, शॉट तो लग जाता है पर जो आपका लेफ्ट लेग पीछे वाला पैर है वो लिफ्ट हो जाता है और जो आपका सारा वेट है वो आगे गिर जाता है। आपको यही करना है। एक तो आपको जो आपका स्टांस है वो प्रॉपर होना चाहिए, अपना शोल्डर लेवल पर रखना चाहिए। कोई प्लेयर ज़्यादा खोल लेते हैं, कोई बिल्कुल कम खोल लेते हैं, वो गलत है। प्रोफेशनल क्रिकेट में चल जाता है जो इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत साल से खेल रहे हैं। अगर आप बिगनर हो या इंडियन विकेट्स पर खेल रहे हो और इंडियन प्लेयर हो तो आपको कोशिश करनी है कि जो नॉर्मल है वो शोल्डर लेवल पे ही आपको अपने लेग्स खोलने, उसके बाद जो आपका बैलेंस रहेगा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर आप पैर ऐसे ही करके पैर निकाल के खेल सकते हो, फिर आपका बॉडी बैलेंस जो है वो गिरेगा नहीं। और आपको दोनों पैरों पे इक्वल वेट रखना है, ये नहीं है कि आप फ्रंट फुट पे ज़्यादा वेट रख लोगे तो लेफ्ट लेग जो है वो अपने आप ही लिफ्ट हो जाएगा, या अगर आप लेफ्ट लेग पे सारा वेट रखोगे तो आप आगे नहीं आ पाओगे, आपकी बॉडी जो है वो ऐसी रह जाएगी। आप अगर आप ड्राइव मारना चाहोगे या लेग साइड में खेलना चाहोगे आप ऐसे खेल पाओगे, पर जो अगर आपका वेट इक्वल होगा तो आप प्रॉपर निकाल के लेग साइड में खेल सकते हो। ये दो चीज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी है, आपका ऑफ साइड लेग साइड का गेम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कुछ प्लेयरों को क्या दिक्कत होती है, जब बॉडी पे बॉल आती है तो वो उछल उछल के खेलते हैं, उसके लिए भी आप सेम ही कर सकते हो, लेग को खोल सकते हो। प्लास्टिक बॉल से आप तेज खेलने की प्रैक्टिस कर सकते हो, बाउंसर खेलने की प्रैक्टिस कर सकते हो चेस्ट गार्ड वगैरह लगा के। जब तक बॉल आपको हिट नहीं करेगी तो आपका जो डर है वो निकलेगा नहीं। तो प्लास्टिक बॉल या कॉस्को की बॉल को अगर आप सीमेंट विकेट पे प्रैक्टिस कर रहे हो, उसे गीला करके अगर आप खेलोगे तो आपका जो डर है वो बिल्कुल ही निकल जाएगा, आपका लेग साइड का गेम भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर आप लेग साइड पर खेल रहे हो तो इसमें आपका जो बैट का ग्रिप है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, आपका जो बॉटम हैंड है वो बिल्कुल लाइट पकड़ना है, क्योंकि अगर आप लेग साइड में फ्लिक मारोगे और आप टाइट हाथ से मारोगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि बॉल एयर में जा सकती है और आप मिड विकेट पे कैच हो सकते हो। पर अगर आप बॉटम हैंड को हल्का पकड़ोगे तो आपके पास चांस है, आप मिड विकेट पे भी खेल सकते हो, स्क्वायर लेग पे भी खेल सकते हो और फाइन लेग पे भी खेल सकते हो, क्योंकि जो आपकी रिस्ट है वो बहुत ही अच्छे से चलेगी। पर अगर आप टाइट पकड़ लोगे तो आपको पीछे खेलने में दिक्कत होगी और स्क्वायर लेग पे खेलने में दिक्कत होगी, और अगर शॉट अच्छा जाएगा तो वो एयर में भी जा सकता है। ये तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और आप इसकी प्रैक्टिस
कैसे कर सकते हो आप, कोई भी आपका कोई भी बॉलर को ले सकते हो, जो अपने फ्रेंड को ले सकते हो, वो आपको अंडर आर्म बॉल करा सकता है आपके पैड की तरफ। पहले आप प्रैक्टिस करो कि दोनों पैरों को रख के ऐसे खेलने की कोशिश करो, बिना पैर मूव करे। फिर आप थोड़ा सा पैर खोल सकते हो, फिर आप वही प्रैक्टिस करो, पर इसमें आपको जो आपका फ्रंट फुट है उसे आपको मूव नहीं करना थोड़ी ड्रिल्स में। फिर आप पैर निकाल के खेलने की कोशिश करो और फिर आप देखोगे कि जो आपका गेम है वो बिल्कुल ही इम्प्रूव हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो मेरे चैनल पर नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, सेम अकाउंट है, शुभम क्रिकेट अकेडमी।